स्वागत में आपके हम पलके रहे बिछाए, बनके अतिथि हमारे भगवान स्वयं आए। स्वागत में आपके हम पलके रहे बिछाए, बनके अतिथि हमारे भगवान स्वयं आए। स्वागत में आपके हम से मिस्टर किशन राव कुमार जी का मैं हमारी टीम मेंबर से आमंत्रित करती हूँ कि वो उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले कमल गंभीर जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। हाय दोस्तों, अनुग्रह करती हूँ हमारी
उस कोरोना काल को बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी। आज के उस कार्यक्रम तो बच्चों को जागरूक करने के लिए उस कोरोना काल को बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी। आज के उस कार्यक्रम तो बच्चों को जागरूक करने के लिए जो कोविड-19 जो 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को जो टीकाकरण होना है उस के संदर्भ में हमारे जो NGO शहर में जाकर गांव में जाकर स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। मैं न्यूरा पब्लिक स्कूल के MD वेदपाल भारद्वाज जी, मैडम भारद्वाज जी, सुनीता जी से संबंधित समस्ता से संबंधित हमें पालना करना चाहिए और मानव शरीर का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 2014 में सरकार जब बनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी कि देश स्वस्थ होगा हम सफाई रखेंगे अपने घरों में शरीर में कपड़ों में हम बीमारियों से मुक्त होंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी आएगी बुद्धि आएगी और आप शिक्षित बनेंगे। जैसे कमल जी ने बताया इस मिशन के साथ साक्षरता अभियान की भी शुरुआत ये NGO कर रही है। बच्चों शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जो देश और प्रदेश जो शिक्षित होगा उस देश और प्रदेश की पहचान होगी। हमारा विषय टीकाकरण का था तो इसमें भागवत था और बैठी बैठी है तो निश्चित तौर पर आप शुरुआत अपने स्वयं से करें और निश्चित धन्यवाद बहन जी आपका। बहन जी ने मुझे जानकारी दी है 120 बच्चे जिनको ये स्कूल फ्री पढ़ा रहा है। बहन जी आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं तो इसे भागवत था और बैठी बैठी है तो निश्चित तौर पर आप शुरुआत अपने स्वयं से करें और निश्चित धन्यवाद बहन जी आपका। बहन जी ने मुझे जानकारी दी है 120 बच्चे जिनको ये स्कूल फ्री पढ़ा रहा है। बहन जी आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं इससे विशेष और दिमाग को धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।